गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम राहुल फ्रॉम बाबा बंदा बहादुर पब्लिक स्कूल. टुडे वी लर्न लेसन इन इंग्लिश फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9. दिस चैप्टर इज फ्रॉम योर मोमेंट्स बुक. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द एडवेंचर ऑफ टोटो, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. इन दिस स्टोरी द ऑथर रिकॉलेक्ट्स हिज चाइल्डहुड मेमोरीज रिलेटेड टू हिज पेट मंकी नेम टोटो. Let's start this chapter, The Adventure of Toto. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या कभी तुमने एक बेबी मंकी को एक पालतू के रूप में रखा है? Toto is a baby monkey. Toto एक बेबी मंकी है. Let's find out whether he is mischievous or docile. आओ देखते हैं कि वह मंकी यानी कि Toto शरारती है या सीधा साधा है. डोसाइल सीधा साधा. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज. ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीदा था. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ. टोंगा ड्राइवर ने उस छोटे रेड मंकी को फीडिंग ट्रफ मींस अ लार्ज कंटेनर फॉर फीडिंग एनिमल्स, जिसे हम खोर या नान भी बोलते हैं. कहते कि टोंगा ड्राइवर ने छोटे रेड मंकी को एक नान से बांध कर रखा था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. एंड द मंकी लुक्ड, कहते कि जो मंकी है वो विचित्र, कहते कि इतना विचित्र दिखाई दे रहा था देयर वहां पर. द डेट ग्रैंडफादर डिसाइडेड कि दादाजी ने यह निश्चय किया, ही वुड ऐड कि वह उसे शामिल करेगा, द लिटिल फेलो उस लिटिल फेलो को, उस छोटे जानवर को, टू हिज प्राइवेट जू, अपनी निजी जू में, चिड़ियाघर में. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, टोटो बहुत सुंदर मंकी था. His bright eyes, उसकी चमकीली आंखें, sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. उसकी चमकीली आंखें गहरी भौं के नीचे शरारत से चमकती थी. And his teeth, और उसके दांत, which were a pearly white, जो कि मोतियों की तरह सफेद थे, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. एंग्लो इंडियन लेडीज मीन्स अ पर्सन रिलेटिंग टू बोथ ब्रिटेन एंड इंडिया, यानी कि जो राइटर के पड़ोस में कुछ ऐसे लोग रहते थे जो कि ब्रिटिश और इंडिया से संबंधित थे, यानी कि उनके एसेंचर जो थे वो इंडियन और ब्रिटिश, यानी कि दोनों से ही थे. यहां पर राइटर कहता है कि वो जो वृद्ध एंग्लो इंडियंस जो लेडीज थी, वह उसे, यानी कि प्राय क्या होता था कि वह उसकी, यानी कि किसकी, टोटो की स्माइल को देखकर डर जाया करती थी, क्योंकि स्माइल के साथ वो दांत दिखाता था और वो काफी पहने थे, तो घबराहट उनसे होती थी और वे लेडीज जो थी वो डर जाती थी. बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. उसके हाथ इस तरह से सूखे हुए से लगते थे जैसे कि कई सालों तक उनके हाथों को पिकल मैंने होते अचार की तरह धूप में सुखाया गया हो. येट हिज फिंगर वर्क क्विक एंड वीक, फिर भी उसकी जो फिंगर्स थी, उंगलियां थी, वह काफी फुर्तीली थी और काफी शरारती थी. एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो कि उसे एक अच्छी लुक्स दे रही थी, यानी कि जो कि उसके सौंदर्य को बढ़ा रही थी. ग्रैंडफादर का मानना था अ टेल कि एक पूंछ वुड ऐड टू समवन्स गुड लुक्स. ग्रैंडफादर मानते थे कि एक जो पूंछ होती है वह किसी की भी सुंदरता को बढ़ा देती है. आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और जो उसकी पूंछ थी वो तीसरे हाथ के रूप में कार्य करती थी. ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, और वह इसका प्रयोग जो है ब्रांच से लटकने के लिए करता था. एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी
डेलिकेसी डेट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और उस पूंछ का प्रयोग वह जो कि किसी भोजन को वह अपने हाथों से प्राप्त नहीं कर सकता था, वह इसका प्रयोग अपनी पूंछ से किया करता था उस भोजन को प्राप्त करने के लिए। एंड ग्रैंडफादर ऑलवेज फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स गुस्सा होना, ग्रैंड मदर वो सदा ही गुस्सा करती थी वहन जब ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल, जब दादाजी कुछ नए पंछी और पशुओं को घर लेकर आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए यह निश्चय किया गया डेट कि टोटोज प्रेजेंस, कि टोटो की उपस्थिति शुड बी कैप्ट, वह रखी जानी चाहिए अ सीक्रेट, एक रहस्यमयी, फ्रॉम हर दादी जी से, अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि उनका जो मूड है वो अच्छा नहीं हो जाता। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटल क्लोसेट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम्स वॉल। ग्रैंडफादर दादाजी और एंड आई और मैं पुट हिम अवे, उसे ले गए इन अ लिटल क्लोसेट, एक छोटे कोठरी में, ओपनिंग इन टू माई बेडरूम्स वॉल, जो कि मेरी जो कक्ष था, जो उसका रूम था, उसकी वॉल में खुलता था। एंड वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पैग फेस्टन इन टू द वॉल, और इसलिए उसे जो वॉल के अंदर जो एक पैग लगा हुआ था, एक हुक लगी हुई थी, उसके साथ उसे सुरक्षित रूप से बांध दिया गया। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर, जब दादाजी एंड आई और मैं कम बैक टू रिलीज टोटो, कि टोटो को खोलने के लिए वापिस आए, वी फाउंड, हमने देखा, डेट द वॉल्स, की वह दीवार, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, कि जिसे ऑर्नामेंटल यानी कि आकर्षित जो पेपर थे उनसे कवर किया गया था, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो कि ग्रैंडफादर के द्वारा चूज की गई थी, नाउ स्टूड आउट एज नेक ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वो दीवार जो है वह नंगी ईंटों और ओनली प्लास्टर, प्लास्टर से ही, प्लास्टर जैसी ही थी। द पैग इन द वॉल, और वॉल में जो वह हुक थी, पैग थी, हैड बीन व्रेज्ड, वो टूट चुकी थी फ्रॉम इट्स सॉकेट, यानी कि कहते कि द पैग इन द वॉल, कि वॉल के अंदर जो सॉकेट थी, सॉकेट के ऊपर जो पैग लगा हुआ था, अब उसे तोड़ दिया गया था, यानी कि वो टोटो के द्वारा तोड़ दिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा स्कूल का ब्लेजर, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, और जो कि मेरा स्कूल का ब्लेजर उस पैग के ऊपर लटका हुआ था, वाज इन श्रेड, अब उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। एंड आई वॉन्डर्ड, और मैं हैरान था, वट ग्रैंड मदर, वुड से, आई वॉन्डर, मैं हैरान था, वट ग्रैंड मदर वुड से, कि दादी जी क्या कहेंगी, बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, परंतु ग्रैंड फादर को, दादाजी को कोई भी चिंता नहीं हुई। ही सीम्ड प्लीज्ड, और वह बड़े ही खुश प्रतीत हो रहे थे विद टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो की इस परफॉर्मेंस से, ही इज क्लेवर, सेड ग्रैंड फादर, दादाजी ने कहा कि टोटो बड़ा ही शरारती है, चतुर है। गिवन टाइम, यदि उसे समय दिया जाए, आई एम श्योर, तो मैं आश्वस्त हूं, ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इन टू अ रोप, कि वह आपके ब्लेजर के टूटे हुए जो ये टुकड़े थे उनसे एक रस्सी बना लेगा। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और वह इस विंडो से निकलकर भाग जाएगा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी जो उपस्थिति थी उसे अभी भी एक रहस्य रखा गया था। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशली टुगेदर। टोटो को सर्वेंट्स क्वार्टर, सर्वेंट के यानी कि नौकरों वाले घर में ट्रांसफर किया गया, जहां पर एक बहुत बड़ा केस था, वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड, जहां पर दादाजी के बहुत सारे पालतू जानवर रहते थे, वेरी सोशली टुगेदर यानी कि वो इकट्ठे रहते थे, जिनमें कि टोटोइज, एक कछुआ था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक खरगोशों का एक जोड़ा था, ए टेम स्क्वायरल, एक पालतू गिलहरी थी, एंड फॉर ए वाइल, और कुछ समय के लिए माई पेट गोट, मेरी पेट गोट भी थी, और वहां पर वो इकट्ठे ही रहते थे। बट
द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, परंतु जो टोटो था, मंकी था, उसने उस रात, यानी कि जो उसके साथी थे, किसी को भी सोने नहीं दिया. सो ग्रैंडफादर, इसलिए ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, जो कि अगले दिन देहरादून को जाने वाले थे, टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन को प्राप्त करने के लिए. पेंशन मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट जो पैसे मिलते हैं उसे पेंशन कहते हैं, इन सहारनपुर में. एंड डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, और उन्होंने निश्चय किया कि वह भी उसे साथ में ले जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकॉम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, संयोगवंश मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, परंतु उन्होंने बाद में मुझे इस सब घटना के बारे में बताया. अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक काला कैनवस किट का बैग जो है टोटो के लिए प्रोवाइड करवाया गया. दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम, और जिसके नीचे कुछ स्ट्रा में सूखी घास रखी गई. एंड बिकम हिज न्यू अबोर्ड मीन्स होम, और उसका एक नया घर बनाया गया. व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब बैग को क्लोज किया गया, देयर वाज नो एस्केप, तो उसके भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, और टोटो अपने हाथों से बिल्कुल उसे नहीं खोल सकता था. एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रांग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवस बैग जो था इतना मजबूत था कि वह उसे काट भी नहीं सकता था. हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जम्प इन टू द एयर, और उसके एफर्ट से, जो उसने प्रयत्न किया, उसे क्या हुआ कि वह जो बैग था वह फर्श पर लुढ़कता रहा, यानी कि कभी कभी लुढ़कता एंड और ओकेजनली, और कभी कभार क्या होता कि जम्प इन टू द एयर, कि वह हवा में कूदने लग जाता. यानी कि जैसे कि जो राइटर था उसने अपने जो दादाजी थे उसने अपने कंधों पर उस बैग को लिया हुआ था, तो वो जैसे ही जंप करता तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे हवा में कूदता हुआ दिखाई दे रहा हो. एन एग्जीबिशन डेट अट्रैक्ट अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे स्टेशन, और देहरादून रेलवे स्टेशन पर देखने वालों की भीड़ का आकर्षक बना हुआ था. टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, और टोटो सहारनपुर पहुंचने तक थैले में ही रहा. बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, परंतु जब दादाजी रेलवे टर्नस्टाइल मीन्स क्या होता है, टर्नस्टाइल अ मैकेनिकल गेट कंसिस्टिंग ऑफ रिवॉल्विंग हॉरिजेंटल आर्म्स फिक्स्ड टू अ वर्टिकल पोस्ट अलाउइंग ओनली वन पर्सन एट अ टाइम टू पास थ्रू. जैसे कि आपने मेट्रो स्टेशन पर देखा होगा कि जब हम रेलवे मेट्रो स्टेशन से बाहर आते हैं तो वहां पर एक मशीन सी होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि उसमें कार्ड या कोई कॉइन्स डालते हैं तो वो गेट ओपन हो जाता है और एक एक करके हम चलते हैं. तो वहां पर क्या हुआ कि जो टिकट कलेक्टर था उसको दादाजी ने अपनी टिकट दिखाई एंड टू सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, और अचानक ही टोटो ने अपने सिर को बैग से बाहर निकाला. एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन, और उसने टिकट कलेक्टर को अपने दांत दिखाए. द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, और वह बेचारा व्यक्ति पीछे हुआ. बट विद द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड मच ग्रैंडफादर अनाउंस ही सेड, सर, कहते कि जो पुअर मैन था वाज, यानी कि पुअर मैन यहां पर टिकट कलेक्टर के लिए यूज किया गया है, वह डर कर पीछे हुआ और बोला कि आपके पास, सर यू हैव अ डॉग विद यू, कि आपके पास एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तो आपको इसके अनुसार किराया देना पड़ेगा. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव डेट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया
कि वह कुत्ता नहीं अपितु बंदर है, और इवन एज ए क्वाड्रप, और उसका भाड़ा नहीं लगना चाहिए। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, और टोटो टिकट कलेक्टर के द्वारा एक डॉग वर्गीकृत किया गया, एंड 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और उसको कहते कि उसके किराए के तौर पर उसे 3 रुपए उसे देने पड़ेंगे। एंड देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइस, और तभी दादाजी ने थोड़ा पीछे हुए और उन्होंने अपने पॉकेट में हाथ डाला और एक टॉर्टोइस, एक पालतू पेट टॉर्टोइस, एक कछुआ निकाला, एंड सेड और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, कि मुझे इसके लिए क्या अदा करना चाहिए, सिंस क्योंकि यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप तो सभी एनिमल्स का चार्ज लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टोइस, टिकट कलेक्टर ने उस टॉर्टोइस को बड़े ही नजदीक से देखा, एंड प्रोडिड इट विद हिज फोर फिंगर, और उसने अपनी उंगली से उसे दबाया, एंड गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज एंड थ्रिम्पेट लुक, और उसने दादाजी को एक खुशी भरी और एक विजयी लुक दी, एंड सेड और कहा नो चार्ज, इसके लिए कोई चार्ज नहीं, इट इज नॉट ए डॉग, क्योंकि यह एक कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को finally accepted, यानी कि जब टोटो को grandmother के द्वारा अंत में स्वीकार कर लिया गया, he was given a comfortable home in the stable, तो उसे अस्तबल में एक आरामदायक घर दिया गया, यानी कि अस्तबल में रहने के लिए उसको जगह दी गई, and where he had for a companion द फैमिली डोंकी नाना, जहां उसका साथी परिवार का गधा नाना था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, स्टेबल में टोटो की पहली रात को ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल, अस्तबल में पहली रात दादाजी टोटो को देखने गए कि वह वहां कैसे रह रहा है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, यह देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई कि नाना विदाउट अपेरेंट काज पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था, पुलिंग एट हर हेल्टर, हेल्टर मींस क्या होता है, रस्सी होती है जो कि किसी पशु के गले में डाली जाती है उसे बांधने के लिए, and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay, और वह सिर दूर, यानी कि क्या था कि वह घास के ढेर से न जाने क्यों अपना सिर दूर हटाने का प्रयत्न कर रहा था। Grandfather gave Nana a slap across her hunches, back of the any animal, यानी कि जिसे हम कुल्हे बोलते हैं। Grandfather ने नाना को उसके कुल्हों पर एक थप्पड़ मारा, and she jerk बैक, शी जर्क्ड अ बैक, इससे क्या हुआ कि उसने झटके से अपना सिर पीछे किया, एंड ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उसके साथ टोटो भी खींच आया। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विद हिज शार्प लिटल टीथ, और टोटो नाना के लंबे जो लॉन्ग ईयर थे, कान थे, कानों से चिपटा हुआ था, और अपने तेज दांत उसके कान में गाड़ रखे थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन सकते थे। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटोज ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्ज बबल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। टोटो एक बड़ी खातिरदारी सर्दियों में सायंकाल के दौरान होती थी कि जब दादी जी उसे नहाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन गर्म पानी का देती थी। ही वुड कनिंगली टेस्ट, और वह चतुराई से टेस्ट करता था द टेम्परेचर, उसका तापमान, विद हिज हैंड, अपने हाथ से, एंड देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, और तब वो नहाने के लिए धीरे धीरे कदम रखता। फर्स्ट ऑफ ऑल फुट, पहले वो अपना पैर रखता, देन द अदर, और तब दूसरा, एज ही had seen me doing, जैसे कि वो मुझे नहाते हुए देखता था।
अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और वह तब तक उस पानी में जाता रहा जब तक कि पानी उसके गले तक, यानी कि वह गले तक नहीं पहुंच जाता। वंस कंफर्टेबल, आराम से बैठकर ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फिट, वह अपने हाथों और पैरों पर साबुन लगाता, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और वह अपने आप को साबुन से रगड़ता, व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। ही वुड गेट आउट, और वह उस पानी से निकलता, रन एज क्विकली, और जितनी तेज हो सकता था वह भागता, एज ही कुड डू ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और अपने आप को सुखाने के लिए वह किचन की जो आग थी, यानी कि चूल्हे की जो आग थी, वहां पर बैठ जाता। इफ एनी वन लाफ एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, यदि इस परफॉर्मेंस को देखकर उसके ऊपर कोई हंसता, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो इससे टोटो की जो फीलिंग्स थी उन्हें वो हर्ट हो जाती, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और तब वह नहाना छोड़ देता। एंड वन डे, एक दिन टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन तो टोटो यानी कि जिंदा ही उबल जाता। ए लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, एक दिन क्या हुआ कि एक बड़ी सी कैटल यानी कि जिसमें दादी माँ चाय बना रही थी, वह उबलने के लिए उस आग पर रखी हुई थी। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, डिसाइड टू रिमूव द लीड, और टोटो ने खाली बैठे निश्चय किया कि वह उसके ढक्कन को हटा देगा। किसके ढक्कन को? केटली के ढक्कन को। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और उसने पाया कि पानी नहाने के लिए उपयुक्त गर्म था। ही गॉट इन, और वह उसमें चला गया। विद हिज हैंड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, और उसने क्या किया कि वह पानी में गया परंतु उसने अपना सिर उस केटली से बाहर ही रखा। एंड दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, और यह कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छा था। अंटिल द वाटर बिगन टू बॉयल, जब तक कि पानी उबलना शुरू नहीं हुआ। टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटल, और टोटो थोड़ी देर के लिए वह ऊपर उठा। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, परंतु बाहर ठंड महसूस करते हुए सेट डाउन अगेन, वह फिर से उस पानी में, उस केटली में बैठ गया। ही कंटिन्यूड हुपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, और वह ऐसा लगातार यानी कि उठता बैठता, यानी कि वह लगातार उठता और बैठता रहा कुछ समय के लिए। अंटिल ग्रैंडमदर अराइव्ड, और जब तक कि दादी माँ नहीं आई। एंड होल्ड हिम, और उसे खींचा, हाफ बॉयल्ड, आधा उबला हुआ, आउट ऑफ द केटल, उस केटल से बाहर। कहते कि दादी माँ आई और उसने उसे खींचा, और वह उस हाफ बॉयल्ड आधा उबले हुए था उस केटली से उसे बाहर निकाला। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवॉल्व टू मिस्चीफ, ये कहते हैं कि यदि राइटर यहां पर कहते हैं कि इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन, कि ब्रेन का, दिमाग का हिस्सा, एक हिस्सा जो है स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, कि वह जो है उसमें शरारतें भरी हुई होती हैं, डेट पार्ट वाज लार्जली डिवोल्व्ड इन टोटो, और वह शरारतों भरा जो दिमाग था वह टोटो में अच्छी तरह से विकसित था। ही वॉज ऑलवेज टियरिंग थिंग्स टू पीसिस, और वह सदा ही चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता था। एंड वहन एवर वन ऑफ माई आंट कम नियर मी, और जब कभी मेरी आंट जो है वो मेरे पास आती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर साड़ी, तो वह प्रत्येक अपना एफर्ट करता कि उसकी साड़ी पकड़ने का। एंड टीयर अ होल इन इट, और उसमें वह एक होल बना देता, यानी कि उसको फाड़ देता। वन डे, एक दिन एट लंच टाइम, दोपहर के खाने के दौरान, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। कहते कि एक राइटर यहां कहते कि एक पुलाव की एक बहुत बड़ी डिश, यानी कि एक बहुत बड़ी प्लेट जो थी, स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, वह डाइनिंग टेबल के मध्य में रखी हुई थी। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, और हमने
जब रूम में एंटर किया तो हमने पाया कि टोटो उस राइस को, उस पुलाव को अपने मुंह में ठूस रहा था। माय ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी दादी माँ चिल्लाई एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने उस पर एक उस प्लेट को उसके ऊपर गिरा दिया। एंड वन ऑफ माय आंट रश्ड फॉरवर्ड, और कहते कि मेरी आंटियों में से एक जब वो आगे की तरफ भागी एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो उसने टोटो ने उसके मुंह पर एक गिलास का पानी फेंक दिया, यानी गिलास भरा हुआ पानी फेंका। एंड व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो टोटो ने पुलाव की प्लेट ली एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और वह विंडो से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम, हमने उसे पाया इन द ब्रांचेस, टहनियों में ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, कटहल के पेड़ की टहनियों में पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वह जो पुलाव की प्लेट थी वो अभी भी उसकी बाजू में थी। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, और वह वहां पर सारी दोपहर वहीं पर रहा। ईटिंग स्लोवली, धीरे धीरे खाता रहा। थ्रू द राइस, वह चावल डिटरमाइंड, और उसने निश्चय किया ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन कि वह एक एक दाना उस चावल का खा जाएगा, खत्म कर देगा। एंड देन, और तब इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और तब दादी से बदला लेने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो कि उसके ऊपर चिल्लाई थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, तो उसने उस प्लेट को, डिश को उस प्लेट से नीचे गिरा दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और वह खुशी से चैटर्ड, चैटर्ड मीन्स यहां पर हम लगाएंगे कि जो बंदर जो ची ची करके जो चिल्लाते हैं या हंसते हैं, वह खुशी के मारे ची ची उसने किया। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 pieces, जब वह इट यहाँ प्लेट के लिए यूज किया गया, डिश के लिए, कि जब वह प्लेट जो है 100 सैकड़ों टुकड़ों में नहीं टूट गई। एंड ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, स्पष्ट है कि टोटो जो है एक पालतू जानवर नहीं है। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसे कि हम लंबे समय तक अपने साथ रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज डेट, और यहां तक कि दादा को भी यह एहसास हुआ। वी वो नॉट वेल टू डू, कि हम इतने वेल टू डू मीन्स धनी नहीं है, इतने रिच नहीं है। एंड कुड नॉट एफोर्ड द फ्रीक्वेंट लूसेज ऑफ डिशेज, कि हम जो हैं फ्रीक्वेंट लूसेज ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स, कि हम वॉलपेपर्स मीन्स जो दीवार के ऊपर जो डेकोरेटेड पेपर लगा रखे थे, वो कर्टेन्स, पर्दे, क्लोथ्स, कपड़े और डिशेज जो बर्तन थे, उनके बार बार टूटने के खर्चे को अफोर्ड कर सकें। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, और इसलिए ग्रैंडफादर ने यहां पर फ्रस्ट्रेटेड होते हुए, निराश होते हुए, उसने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को वापिस बेच दिया ओनली 3 rupees, केवल 3 rupees में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, थैंक यू।